मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान बायो तटबंध के KM 49.50 पर पिपरा घाट के निकट बिहार के जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए कटाव निरोधक कार्य और स्टील शीट पाइलिंग का लोकार्पण इसी महीने 25 जून को किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, हम दिखाते हैं। जमीन पर लोग इस निर्माण कार्य से कितना संतुष्ट हैं? निर्माण कार्य हो भी रहा है या नहीं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मधुबनी जिला में मॉनसून तेजी से आ चुका है। लगातार पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी लगातार बारिश देखा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। इस वक्त अभी मैं मौजूद है झंझारपुर प्रखंड के कमला के बायां तटबंध पर, जहां पे आज से पूर्व यानी 25 जून को संजय झा जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं, वो बायां तटबंध पर स्टील पाइलिंग और बाढ़ मरम्मती कार्य का लोकार्पण किए हुए थे। ठीक उसी जगह पे हम मौजूद हैं और आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पे उन्होंने सीट लोकार्पण का कार्य किया था और वो लगातार बोर्ड भी लगा हुआ था जहां पे योजना के उन्होंने शिलान्यास का कार्य किया था। वहां पे ये बोर्ड शिलापट जिसको कहते हैं वो तक गायब हो चुका है। जमीनी हकीकत ये है, जितना वादा होता है क्या वो जमीन पे उतरती है, उसकी पड़ताल कर रहे हैं हम। खास करके जब बाढ़ आ चुका है, नदी में लगातार पानी है, नदी गरज रही है, यहाँ के लोग दहशत में माहौल गुजार रहे हैं। 2 साल पहले ही ये तटबंध 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। यहाँ के जो ग्रामीण है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी आपको ये शिलापट दिखा रहे हैं, जहाँ पे शिलापट लगा हुआ था, जहाँ पे मंत्री माननीय मंत्री संजय झा जी जो बोर्ड का लोकार्पण किए हुए थे इस कार्य का, जिनका पेज पर फेसबुक पेज पर भी उनका फोटो वगैरह आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण है उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये मंत्री जी आए क्या दावे किए, क्या हकीकत है, क्या हो रहा है, कितना दहशत में, क्या उनसे वो संतुष्ट है। यहाँ पे जो बोर्ड था कहाँ चला गया बेटा, यहाँ पे जो बोर्ड था कहाँ गया? मंत्री जी आए हुए थे 3 दिन पहले, मंत्री जी आए हैं। क्या सब हुआ था आपसे तो पता क्या मंत्री जी? तो यहाँ पे ये मंत्री जी आए, ये बोर्ड का लोकार्पण ही हुआ था, कहाँ गया बोर्ड? बोर्ड रहे, बोर्ड सांझ में रहे, आज सांझ में जब जाए लगले मंत्री जी तब पता नहीं मंत्री जी अब की केलके ठेकेदार लोग ले बोर्ड की के लगले से तो नहीं पता। अच्छा, अभी जो काम हो रहा है इस काम से आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोगों को डर नहीं है इस काम से? डर नहीं डर है। 2 साल पहले क्या हुआ था इस तरह में? 2 साल पहले तो टूट गए तो दहेले घर घर पड़ गए, हमारा के अनाज ले मोड़े छलिए, अनाज ले मोड़े रहे तो सरकार तो सहायता नहीं केलके। आब जे फेर सहायता नहीं केलके, अखनी जे उबर आस महीना रहे तो पानी एले, अखनी से नहीं केलके बांध बांधलके, आब जे पानी एले आब जे बांध लगे तो आब तो टूटबे करते। तो सरकार तक पहले तो नहीं केलके शासन, आब जे करलक तो आब तो नहीं भेले। हम आपको अगर बताएं तो इनका कहना स्पष्ट तौर पर ये है, जिस टाइम में बारिश नहीं था यानी नदी में पानी नहीं थी, उस समय में सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया, वहाँ पे स्टील पाइलिंग क्यों नहीं करवाया गया, बाढ़ निरोधक कार्य क्यों नहीं करवाया गया, जब नदी में पानी आ चुका है, इसके बाद ये सारे कार्य क्यों किए जा रहे हैं? खैर, और जो भी लोग हैं क्या उनसे दहशत में है, क्या हकीकत है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था 2 साल पहले, आपका भी घर टूटा था? घर टूटा है, बाहर अलग तो ककरो कुछ नहीं दल के, सब बाले बच्चा भूखे भूखे माल जाल सब कुछ भेले भूखे प्यासे रह ले, आ कोई कुछ नहीं दल। अभी जो ये कार्य भ रहल छै, ई कार्य से संतुष्ट छै? ई बे डर नहीं लागत? ई बे नहीं डर छै? डर छै नहीं तो हम नहीं संतुष्ट, डर छै ना, छोड़ टूटे वाला छै फिर डर छै, मौका लो लल के हम तो छोड़ तो ना आए, छोड़ तो कोई हते कुछ नहीं हते। अच्छा, कौन सा गांव है अभी जो यहां पे है? संडा पकड़, अदरपुर संडा पकड़। अगर सभी जितने भी ग्रामीण है सभी से अगर हम बात करें तो सबका लगभग एक ही कहना है, जब ये नदी सूखा था उस दौरान क्यों नहीं निर्माण कार्य किया गया, क्यों नहीं बाढ़ कटाव के जो भी कार्य हो रहे हैं अभी वो हो रहे हैं वो पहले ही क्यों नहीं पूर्ण कर दिया गया, लगातार सीट पाइलिंग ये सीट पाइलिंग आखिर अभी के समय में क्यों किया जा रहा है। मधुबनी से भारत टाइम्स के लिए प्रशांत झा। आपको बता दें कि 2 साल पहले कमला नदी से इस बांध को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था, लोगों के घर बह गए थे। इसके बाद भी सरकार नदी में पानी आने की ये सब कार्य का शिलान्यास की है, वह भी खोखला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।